अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर अमीन ख़ान, आज मैं अनार के बेनिफिट के बारे में बहुत तफसीली जो है ना आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, अनार ऐसे एक फल है जिसके ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है। चुनाचे सूरह रहमान में इरशाद फरमाते हैं, فيهما فاكهة ونخل ورمان उनमें मेवे और खजूरें और अनार है, जिनमें अल फ्रूट हो गए, फल हो गए। खजूर और अनार का स्पेशली जिक्र किया है कुरान मजीद में, क्योंकि यह फजीलत है, शर्फ वाले है। क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना अनार का एक एक दाना जो है ना तनावल फरमा कर कहते थे। वजह पूछी गई कि फरमाया है कि मुझे ख़बर मिले कि ज़मीन में कोई भी जो है ना अनार का दरख्त ऐसा नहीं कि पल के काबिल बनाने के लिए जो है ना जन्नत का जन्नती का दाना जो है ना डाला होगा। हो सकता है कि ये वही दाना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ये बिल्कुल तनावल आखिरी दाने तक तनावल फरमाया करते थे, बड़े शौक से प्यार से खाया करते थे। तो इसके जो फ़ायदे हैं वो फरमाते हैं कि इब्न सीरीन ने फरमाया कि परों के दरमियान जो है ना अनार को वो अहमियत आशन है कि जो फरिश्तों के दरमियान सैयदा जबरीन अमीन अलैहिस्सलाम को थे। अनार तंदुरुस्ती सेहतमंद रखने के लिए और आपके चेहरे पर ताज़गी रखने के लिए इसमें काफ़ी प्रोटीन्स वगैरह शामिल होती है और काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट है, कुदरती, इसको खाना ज़रूर चाहिए। अनार मैदा, जिगर, सीने के तकवीत देते हैं, खून की कमी को दूर करता है, साफ खून पैदा करता है, ब्लड प्रेशर, टाइफाइड, यरकान, तिली के अमराज, भूख में कमी, बवासीर और अड्डियों के दर्द के लिए जो है ना अनार बहुत ही मुफीद है, कुदरती नेचर इलाज है, दवा है, ग़िज़ा है। अनार का इस्तेमाल डायबिटीज़ के इस्तेमाल, शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद देती है। अनार दिल को, दिमाग को फ्रेश करता है, चेहरे को निखारता है। उसके अलावा अमराज के बाद जो है ना लेडीज़ के जो अमराज है, कमज़ोरी आती है, उसके इस्तेमाल से लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, उसको भी जो है ना दूर करता है। अनार का फल जो है ना दांतों, मसूड़ों को मजबूत करता है और एक रिसर्च के मुताबिक जो है ना भूल जाने की जो आदत है जिसको नसियान कहते हैं, इंसान भूलने की आदत होती है। मुख्तलिफ जो है ना आजकल स्ट्रेस जो है ना डिप्रेशन का दौर में काफ़ी लोग जो है ना चीज़ों को वास्ते के लोग भूल जाते हैं, तो इसको नसियान कहते हैं। और जो ना ये इस्तेमाल अनार इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त बहुत तेज़ होती है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है। इसको जब ये मौसमी पल है, जब ये आता है, आपको इसको इस्तेमाल करके आपको अपनी याददाश्त तेज़ करनी चाहिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अनार जिगर के लिए, मैदे के लिए और आपके पेट की चर्बी को ख़त्म करती है। ये बहुत फ़ायदेमंद पल है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपने और अपने फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। शुक्रिया।